Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पिटिशन एक्ट. मैं एक बार बता देता हूं कि हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 13 CMA फाइनल का पेपर नंबर 13 लॉ पढ़ रहे थे और उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और उसकी एक क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी. तो स्टूडेंट्स एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्योंकि अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. देखिएगा बच्चों, कंपटीशन एक्ट कब आया? कंपटीशन एक्ट 2002 में आया, हमने पढ़ा था ये बात. और क्यों आया था, किस पर्पज के लिए आया था, किस ऑब्जेक्ट की वजह से आया था, किस वजह से कंपटीशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था? और उसकी वजह है बच्चों कि कंपटीशन एक्ट बोलता है मार्केट में ना कंपटीशन होना चाहिए. अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको एक डर रहेगा. उनको क्या डर रहेगा कि यार मुझे ना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, अगर मैंने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाया तो फिर मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे निकल जाएगा, कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर से खरीदने लग जाएगा सामान. तो अगर कॉम्पिटिशन मार्केट में रहता है ना, तो हर दुकानदार, हर प्रोड्यूसर, हर मैन्युफैक्चरर अपना बेस्ट प्रोड्यूस करता है और रीजनेबल प्राइस पर बेचता है, ना कम पर ना ज्यादा पर, रीजनेबल प्राइस पर बेचता है. इसलिए कंपटीशन एक्ट आया था कि मार्केट में कंपटीशन हो ताकि कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का फायदा हो, लेकिन कंपटीशन फेयर हो. आज अगर मैं एक कंपनी हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं दुकानदार हूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा मोहित बंसल क्लासेस है, अगर मैं आप स्टूडेंट से ये बोलूं कि बच्चों मेरे इंस्टीट्यूट से आप पढ़िए, मेरे से क्लास लीजिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये ठीक है. पर अगर मैं ये बोलूं कि सामने वाला बहुत बेकार पढ़ाता है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये गलत है. फेयर कंपटीशन होना चाहिए. मैं अपनी बढ़ाई करूं चलेगा, मैं दूसरे की बुराई ना करूं बच्चे, अरे मेरी बात सुनो, और कोई मैं इलीगल प्रैक्टिस ना करूं. उसके बाद में मैंने आपको बताया था कंपटीशन एक्ट से पहले MRTP एक्ट चला करता था, लेकिन वो 1969 में आया था. उस वक्त हमारा इंडिया ग्लोबलाइज्ड नहीं हुआ था, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था. तो उस वक्त जो MRTP एक्ट था, उन कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया में बिजनेस करते. लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ गया, उसके बाद में हमको यह महसूस हुआ कि MRTP एक्ट जो है वो इनफ नहीं है, क्योंकि MRTP एक्ट तो सिर्फ इंडिया के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया था. अब तो ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, अब तो बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, अब तो बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, हमारा इंडिया की कंपनीज बाहर जा रहे हैं, हमें एक नया एक्ट चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन संभाल सके. अदरवाइज बाहर के लोग इंडिया में आकर तबाही मचा देंगे, अदरवाइज चाइना के लोग इंडिया में आकर सस्ता सस्ता ओप्पो और रेडमी का मोबाइल बेचेंगे और हमारे इंडिया वाले माइक्रोमैक्स वाले बर्बाद हो जाएंगे. इसलिए 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आ गया, 2002 में कंपटीशन एक्ट लाया गया, क्योंकि MRTP इनफ नहीं था ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के हिसाब से. फिर उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था कि कंपटीशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि कंपटीशन फेयर हो, अगर कोई एडवर्स कंपटीशन हो रहा है तो उसे रोक दो, कंज्यूमर का फायदा करो, ऑल दैट. ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे. इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी थी कि कंपटीशन एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इवन जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल होता है. पता होना चाहिए आपको, जो हमारी गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, उसने कुछ साल पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का था, वो स्पेशल स्टेटस छीन लिया. अब जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, इंडिया के सभी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होते हैं जैसे बाकी इंडिया पर होते हैं. क्लियर है ये चीज यहां तक आपको? देन इसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मैंने हथ किया था, आपको सॉल्व करवा दिया था. फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन हो, फेयर कॉम्पिटिशन हो, इस बात की जिम्मेदारी किसकी है?
कंपटीशन एक्ट के अंदर आखिर वो कौन सी लीगल अथॉरिटी है जिसकी ये ड्यूटी, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कंपटीशन एक्ट के रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस को फुलफिल किया जा रहा है। इंडिया के अंदर कंपटीशन फेयर हो रहा है, इंडिया के अंदर कंपटीशन गलत नहीं हो रहा है। तो जैसे कंपनीज एक्ट की अथॉरिटी होती है NCLT, सेबी एक्ट की अथॉरिटी होती है आपका सेबी के अंदर, अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, उसी तरह से कंपटीशन एक्ट के अंदर होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये लीगल अथॉरिटी है जो कि कंपटीशन एक्ट के अंदर काम करती है और इसका काम होता है इंडिया में फेयर कंपटीशन हो इस बात को चेक करना और कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करवाते रहना सभी लोगों से, कोई उनको तोड़े नहीं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो कमीशन है इसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके। ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है सरकारी रजिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी रजिस्टर में लिख देता है कि मैं फलाने एरिया में कंपटीशन कमीशन बना रहा हूं, वहां पर वो कंपटीशन कमीशन बन जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बता दिया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने लोग बैठते हैं। भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक लीगल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता है, कंपटीशन एक्ट के ये मेन अथॉरिटी है। इसका काम है कि पूरे इंडिया के अंदर फेयर कंपटीशन हो, कोई भी किसी का इलीगल ना करे, कोई बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को दबा नहीं दे, ये काम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इसके अंदर कुछ लोग बैठते होंगे जो ये सब चीजें चेक करते होंगे। तो कितने लोग बैठते हैं, एक तो बैठता है चेयरपर्सन, बाकी बैठते हैं मेंबर्स। मेंबर्स दो से कम नहीं हो सकते, छह से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था बच्चों, यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था लास्ट क्लास में, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो भी सॉल्व कर लिया था। अब हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब बच्चों मैं इसको आपसे एक, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 9 पढ़ने वाले हैं, उसको मैं आपसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना चाहूंगा। 2 मिनट में आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मुझे ये बताइए स्टूडेंट, मैंने आपको ये बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला कि जो हमारा कंपटीशन एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट है कि इंडिया के अंदर फेयर कंपटीशन हो, प्लस जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। क्लियर है यहां तक? और ये हो एक्चुअली में, फेयर कंपटीशन हो, कंज्यूमर्स का लॉस नहीं हो, इसके लिए कंपटीशन एक्ट में एक अथॉरिटी बनाई गई है, वो ये सब चेक करती है टाइम टू टाइम। उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पढ़ लिया था बच्चे हमने। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके। ये बता दिया था मैंने आपको सेक्शन 7 के अंदर। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाता सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ लोग तो बैठते होंगे। वो कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है, बाकी के मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कम से कम 2 होने चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। स्टूडेंट बोलता है हाँ जी सर, मैं यहां तक समझ गया, अब आप अपना क्वेश्चन पूछो। मेरा क्वेश्चन इतना सा है बच्चे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है, उसके अंदर चेयरपर्सन बैठता है और मेंबर्स बैठते हैं। उन चेयरपर्सन और मेंबर्स जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको कौन अपॉइंट करता है? आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु अपॉइंट चेयरपर्सन एंड मेंबर्स
ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है, समझ गए, पर उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? सर उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है सर, हम समझ गए, हम आपकी ये बात समझ गए सर, हम आपकी ये बात समझ गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करता है और उसके अंदर काम करने वाले चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन बंदा चेयरपर्सन होगा, कौन बंदा मेंबर होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से पता चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है फलाना बंदा चेयरपर्सन है, फलाना बंदा मेंबर है। ओके सर, गॉट इट। बट इंडिया बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है सर इंडिया, और इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है सर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे सपना आता होगा रात में सोते हुए कि मैं इंडिया के अंदर फलाने स्टेट के फलाने सिटी के फलाने गांव के बंदे को चेयरपर्सन बना देता हूं या मेंबर बना देता हूं सीसीआई का। आपने बोला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन या मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, समझ गया मैं, समझ गया, पर कौन हो, किस कैसे करता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में कैसे आता होगा कि यार मैं किसको बनाऊं चेयरपर्सन, मैं किसको बनाऊं मेंबर, कि सपना थोड़ी ना आता है। कौन लोग होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एज चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? सर उसके लिए एक सिलेक्शन कमिटी होती है। एक कौन होती है? सिलेक्शन कमिटी होती है। वो सिलेक्शन कमिटी का काम होता है ऐसे लोगों का नाम छांटना जो लोग क्वालिफाइड हो चेयरपर्सन एंड मेंबर बनने के लिए। ऐसे कुछ लोगों की डिटेल इकट्ठी कर लेती है वो सिलेक्शन कमिटी, और वो सिलेक्शन कमिटी उन लोगों का नाम रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सिलेक्शन कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलती है कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने कुछ लोगों को चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है और उनका कैंडिडेचर, उनकी डिटेल हमारे पास में है, आप प्लीज एक बार नजर मारो और फाइनल ऑर्डर पास कर दो किसको आप चेयरपर्सन और किसको आप मेंबर की पोजीशन पे अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि अपॉइंट एट लास्ट आपको करना है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अपॉइंट एट लास्ट आपको करना है। तो अभी तक मैंने क्या समझाया बच्चे, एक बार ध्यान से देखना मैंने क्या समझाया। मैंने आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाता है, उसके अंदर जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, लेकिन एक सिलेक्शन कमिटी होती है, एक सिलेक्शन कमिटी होती है, वो सिलेक्शन कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लोगों का नाम रिकमेंड करती है। वो सिलेक्शन कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लोगों का नाम रिकमेंड करती है कि आप इन, हमने शॉर्टलिस्ट किया है कुछ लोगों को, आप उन्हें चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन पे अपॉइंट कर लो। सिलेक्शन कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम रिकमेंड करती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें से जो सबसे बेस्ट क्वालिफाइड होता है उसको चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन पे अपॉइंट कर देता है। ओके सर, समझ गए। लेकिन सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर मेरा, बोलो सर। आप एक बार के लिए सोचिए, एक बार के लिए सोचिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंडिया की अथॉरिटी है और इसका काम है कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कंपटीशन फेयर हो, किसी का लॉस ना हो, कंज्यूमर्स का राइट इन्फ्रिंज ना हो, वायलेट ना हो, ये सब, मतलब मार्केट में बिजनेस एकदम स्मूथ चले, पूरे भारत में बिजनेस स्मूथ चले, ये ड्यूटी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, और इसके अंदर जो लोग बैठे उनकी, जैसे इसके अंदर कौन बैठता है चेयरपर्सन और मेंबर, उनकी ये ड्यूटी है।
अब उनको अपॉइंट सिलेक्शन कमिटी करवा रही है, सिलेक्शन कमिटी उन लोगों का नाम रिकमेंड कर रही है। मतलब आप सोचिए, सिलेक्शन कमिटी जो है वो उन लोगों का नाम रिकमेंड कर रही है जो लोग पूरे भारत के बिजनेस को सही से मैनेज करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाएंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर बैठे लोगों को सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट कर रहा है। सर मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन है, सर मेरा आपसे बस ये क्वेश्चन है कि हमें तो इतना सा बताओ, ये जो सिलेक्शन कमिटी होगी इसके अंदर जो लोग बैठे होंगे वो खुद इतने क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो ये पता लगा सके कि हमें किसका नाम चेयरपर्सन या मेंबर की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? देखिए मैं एक मिनट दोबारा इस बात को समझाता हूं इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है और उसके अंदर जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है जी। अब ये जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं इनका नाम रिकमेंड करता है, रिकमेंडेड बाय अ सिलेक्शन कमिटी। एक सिलेक्शन कमिटी है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग इंडिया के बहुत, इंडिया की पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का नाम रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन्हें चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन पे अपॉइंट कर लो। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो लोग हैं जो सिलेक्शन कमिटी के अंदर बैठे हैं वो खुद कितने क्वालिफाइड होंगे कि वो सीसीआई के लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं, मतलब उनका नाम रिकमेंड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सर मुझे तो ये बता दो, सिलेक्शन कमिटी के अंदर जो लोग बैठते हैं क्या वो क्वालिफाइड होते हैं? हाँ बहुत क्वालिफाइड होते हैं। सर सिलेक्शन कमिटी के अंदर कितने लोग बैठते हैं? पांच। अच्छा सर, सिलेक्शन कमिटी के अंदर पांच लोग बैठते हैं और वो पांचों लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को जो चेयरपर्सन और मेंबर बन सकते हैं सीसीआई के। समझा सर? ये पांच लोग जो सिलेक्शन कमिटी के अंदर बैठते हैं इनमें तो बड़ा दिमाग होगा, इन्होंने तो बड़ी दुनिया देखी होगी, इन्होंने तो इंडिया के अंदर अलग अलग कंपनीज की इन्हें नॉलेज होगी, इन्हें इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस की नॉलेज होगी। सर ये पांच लोग होते कौन हैं? तो सिलेक्शन कमिटी के अंदर जो पांच लोग बैठते हैं ना बच्चों, जो लोग चेयरपर्सन और मेंबर का नाम रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पांच लोग कौन होते हैं? ध्यान से देख। एक होता है चेयरपर्सन, एक कौन होता है? चेयरपर्सन, सिलेक्शन कमिटी का चेयरपर्सन। सर कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर ये कौन होता है? इंडिया का सबसे बड़ा जज, पूरे भारत का सबसे बड़ा जज, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे इंडिया का चीफ जस्टिस बोलते हैं और वो इस सिलेक्शन कमिटी का चेयरपर्सन होता है। वो इतना क्वालिफाइड होता है, इतना कैपेबल होता है कि वो रिकमेंड करता है अपने मेंबर्स के साथ में मिलके, रिकमेंड करता है उन लोगों का नाम जो कि सीसीआई के चेयरपर्सन और मेंबर्स बनेंगे। ऐसे ही थोड़ी सिलेक्शन कमिटी के अंदर किसी भी ऐरे गैरे को, रोड पे चलते आदमी को बिठा दो, वो तो किसी का भी नाम रिकमेंड कर देंगे, वो तो किसी को भी बना देंगे। फिर सिलेक्शन कमिटी के अंदर टोटल पांच लोग बैठते हैं, वो खुद बहुत क्वालिफाइड होते हैं और उनको आता है कि हमें किसको शॉर्टलिस्ट करना है सीसीआई का चेयरपर्सन और मेंबर बनाने। और जो आपका सिलेक्शन कमिटी है उसके अंदर जो पांच लोग हैं उनमें से जो उनका चेयरपर्सन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है सर? पहला पॉइंट समझ गया सर। बाकी के चार लोग मेंबर्स होते हैं। जो पांच लोग होते हैं उनमें एक तो होता है चेयरपर्सन,
और बाकी के चार लोग मेंबर्स होते हैं। सर वो कौन होते हैं मेंबर्स? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी, और उसके अलावा दो ऐसे लोग जो इंडिया के पूरे भारत के अंदर बहुत अच्छी रेपुटेशन लेकर चलते हैं, और उनको इंटरनेशनल बिजनेस की भी नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज है, बिजनेस की भी नॉलेज है, कॉमर्स डिपार्टमेंट की भी नॉलेज है, इंडिया के लॉ और इंटरनेशनल लॉ की भी नॉलेज है, फाइनेंस की भी लॉ नॉलेज है, अकाउंटेंसी की भी नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी नॉलेज है, इंडस्ट्री वाइज कोई कंपनी कपड़े की फील्ड इंडस्ट्री में काम करती है, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में, कोई फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कोई प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सबकी उनको नॉलेज है, पब्लिक अफेयर्स की उनको नॉलेज है, हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग। सर अब मैं आपकी पूरी बात समझ गया, मैं आपकी पूरी बात को जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं क्योंकि आपने मुझे पूरा सेक्शन 9 यहां पर पढ़ा दिया है। मैं जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं आपकी बात, यहां पे लिख देता हूं एक बार। सर आपने मुझसे अभी अभी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करती है और उसके अंदर जो चेयरपर्सन मेंबर्स है उनको अपॉइंट करती है। चेयरपर्सन और मेंबर्स का नाम एक कमिटी है जिसको सिलेक्शन कमिटी बोलते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि इन इन लोगों को चेयरपर्सन मेंबर बनाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन लोगों का नाम रिकमेंड हुआ है उनमें से भी एक बेहतर मेन क्वालिफाइड छांटती है और उनको चेयरपर्सन मेंबर बनाती है, समझ गया। उसके बाद में मैंने आपको बोला कि खुद सिलेक्शन कमिटी के अंदर बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, टोटल 5 लोग बैठते हैं, एक चेयरपर्सन बैठता है, बाकी 4 मेंबर बैठते हैं। एक चेयरपर्सन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 मेंबर्स में से एक मेंबर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, एक है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी, और बाकी के 2 लोग हाईली क्वालिफाइड है जिन्हें कॉमर्स की, साइंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, बिजनेस की, लॉ की, अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, इंटरनेशनल ट्रेड की, सबका एक्सपीरियंस है। समझ गए ना सर? चलो आगे, चलो भैया। सर एक बात बताइए सर, सर एक बात बताओ सर, आपने बोला कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर चेयरपर्सन बैठता है और बाकी मेंबर्स बैठते हैं कम से कम 2, बट नॉट मोर देन 6, सेक्शन 8 के अंदर आपने हमें बताया। ओके सर। सर ये जो चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट होते हैं ये कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, तो सुन लो, जो चेयरपर्सन हैं और जो मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। सर दोनों 5 साल के लिए, या चेयरपर्सन का टाइम अलग है मेंबर का टाइम अलग है? ध्यान से पढ़ लेना जो बता रहा हूं, ये वाला जो अब मैं समझा रहा हूं इसे ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, अमेंडेड है ये, अमेंडेड है, अमेंडेड है, ध्यान से पढ़ लेना। दोनों, चाहे से चेयरपर्सन चाहे से मेंबर, दोनों 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, दोनों 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सर एक बात बताओ सर, जैसे कोई बना चेयरपर्सन या मेंबर सीसीआई का, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, ओके समझ गए, काम बड़ा बढ़िया किया सर उसने, उसने 5 साल बड़ा ही डेडिकेशन के साथ काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। अब हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रीअपॉइंट करना चाहती है उसकी पोजीशन पे, क्या कर सकती? हाँ कर सकती है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि जो सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर है वो उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, बिल्कुल, और अगर उसका काम बढ़िया लगे तो उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल यही बोल रहा हूं यार, मैं बिल्कुल यही बात बोल रहा हूं मैं। ओके ओके ओके, समझ गया सर मैं आपकी बात को, मैं यहां तक समझ चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, मैंने बोला बताओ भैया क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, बोला सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, बड़े ध्यान से सुन लेना बच्चों, सलमान खान को
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन या मेंबर कुछ भी अपॉइंट किया गया, दोनों के लिए सेम है। अब ये अमेंडमेंट है, अब सबके लिए सेम हो चुका है। क्लियर है ये चीज? मैं आपसे बोल रहा हूं, सलमान खान को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट किया गया। आ रही है मेरी बात यहां तक कि आपको समझ में? आंसर, सलमान खान की अभी जो एज है, कब अपॉइंट किया गया सलमान खान को सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट किया गया? इन 2020, 2020 में अपॉइंट किया गया, ठीक है। और उस वक्त उसकी जो एज है वो है 60, उसकी एज है सर अभी 57 ईयर्स, उसकी अभी एज है प्रेजेंट में। क्लियर है ये चीज? 57 ईयर्स उसकी एज। तो सर सलमान खान अपॉइंट हुआ एज चेयरपर्सन या मेंबर, कब तक रहेगा? 5 साल, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है वो, फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का मतलब 2020 में अपॉइंट किया गया है, 2025 तक रहेगा। उसकी एज तब तक कितनी हो चुकी होगी? जब अपॉइंट हो रहा था कितनी थी? 57 थी उसकी एज, तो 5 साल और बढ़ गई होगी उसकी एज। तो 57 तो पहले थी, 5 साल अब उसने काम कर लिया, मतलब उसकी एज अब 62 ईयर्स हो गई है सलमान खान साहब की। उनकी एज कितनी हो गई है? 62 ईयर्स हो गई सलमान खान जी की, ठीक साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका काम बढ़िया लगा, उन्होंने बोला इनको दोबारा से चेयरपर्सन या मेंबर जिस भी पोजीशन पे थे अपॉइंट हम कर लेते हैं, रीअपॉइंट कर लेते हैं। तो उनको किया जा रहा है, तो उनको किया जा रहा है। और कितने टाइम के लिए किया जा रहा है? सर 5 साल के? नहीं, क्यों सर क्यों? क्योंकि बच्चा वैसे तो चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट जब होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन उसकी एज मैक्सिमम 65 साल तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब अभी उसकी सलमान खान की एज कितनी है? 62। मतलब उनको हम 3 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, हम उनको 5 नहीं 3 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि 65 से ऊपर का कोई भी बंदा सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर नहीं रह सकता। सर ये सिर्फ रीअपॉइंट में लगता है या अपॉइंट में लगता है? मैं नॉर्मल बता रहा हूं, चाहे से आप ऐसे बोल दो कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं उनकी एज अभी प्रेजेंट में, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, उनकी एज प्रेजेंट में मान लो 62 ईयर्स है अभी, और उनको अपॉइंट किया जा रहा है एज चेयरपर्सन या मेंबर, तो वो कितने साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? मैक्सिमम 3, फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली 5 साल के लिए अपॉइंट होता है चेयरपर्सन या मेंबर, लेकिन कंडीशन ये भी है ना कि एज 65 से ऊपर ना निकल जाए। ओके सर गॉट इट। पहला पॉइंट 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट रीअपॉइंट हो सकता है, तीसरा पॉइंट उम्र 65 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 65 है फॉर बोथ। गॉट इट। पर सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। मैंने बोला क्या क्वेश्चन है पूछो, बोला सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। ये है सीसीआई, बड़ा ध्यान से सुन लेना बच्चों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप, है ना। ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर है 3 मेंबर्स, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 6, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 3 है और एक चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है हमारे जेठालाल। कौन है? जेठा भैया, ठीक है जी, ओके। और बाकी के जो 3 मेंबर हैं वो कौन है? ध्यान से सुन लो, एक है हाथी भाई, देखते हो ना तारक मेहता, एक है हाथी भाई। हाथी भाई की एज है 61 ईयर्स, ये जरूरी नहीं है, हाँ 61 ले लो, चलो कुछ भी ले लो जो आपके मन में करे। फिर दूसरा एक और कौन सा मेंबर है? और है पोपटलाल, पोपू। इनकी कितनी एज है? इनकी है 45 ईयर्स, शादी नहीं हुई इनकी। और एक और मेंबर कौन है? वो है हमारे भिड़े मास्टर, और उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 49 ईयर्स। यहां तक क्वेश्चन समझ में है? जेठालाल कौन है? चेयरपर्सन है। अब जेठालाल एज चेयरपर्सन काम नहीं कर पा रहे सर, क्यों? कोई भी रीजन हो सकता है, हो सकता है उन्होंने रिजाइन कर दिया,
हो सकता है उनकी डेथ हो गई, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गए, हो सकता है वो लुनेटिक पागल हो गए, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से जो सीसीआई का चेयरपर्सन है अब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? तो जो मेंबर्स हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो चेयरपर्सन बन जाएगा तब तक के लिए जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरा चेयरपर्सन, नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं कर देता। मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चे, दोबारा बोल रहा हूं, चेयरपर्सन अगर नहीं काम कर पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, फॉर एनी रीजन, तो जितने मेंबर्स हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर है ना वो चेयरपर्सन की तरह काम करने लग जाएगा तब तक जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं कर दिया। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया, हमारे इस वक्त तो हमारा जो सीनियर मोस्ट मेंबर चेयरपर्सन बना था वो हट जाएगा। तो इनमें से कौन है सीनियर मोस्ट? आती भाई, ये बन जाएंगे। और जैसे ही कोई नया चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये दोबारा से मेंबर की पोजीशन पर आ जाएंगे। सर गॉट इट, पूरा सेक्शन 10 पढ़ा दिया आपने इतने से में, हमको मजा आ गया, हमें समझ में आ गया 5 साल के लिए पॉइंट होता है, हमें समझ में आ गया रीअपॉइंट हो सकता है, हमें समझ में आ गया मैक्सिमम जो है वो 65 साल की उम्र हो सकती है, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती, हमें समझ में आ गया अगर चेयरपर्सन कल को किसी भी वजह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है फॉर एनी रीजन, देन जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन की पोजीशन को संभालेगा तब तक के लिए जब तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं कर देती। ओके, गॉट इट। अभी तक आपने आज की क्लास में हमें दो बातें पढ़ा दी, एक तो पढ़ा दिया सेक्शन 9 जो कि ये बोलता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन उनके पास में नाम जो रिकमेंड किए जाते हैं वो एक सिलेक्शन कमिटी के थ्रू किए जाते हैं, और वो सिलेक्शन कमिटी के अंदर 5 लोग बैठते हैं, उसमें से जो चेयरपर्सन होता है वो इंडिया का चीफ जस्टिस होता है, बाकी के 4 लोग और बैठते हैं, उन्हें मेंबर बोला जाता है। एक होता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, एक होता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, और बाकी के 2 लोग होते हैं जो हाईली एक्सपीरियंस एंड रेपुटेड होते हैं। उसके बाद में सेक्शन 10 आपने हमको समझाया, 5 साल के लिए अपॉइंट होना, देन रीअपॉइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, चेयरपर्सन काम नहीं कर पा रहा है तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो आ जाएगा। गॉट इट सर, आगे चलें। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका एग्जांपल भी करवाऊंगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, स्टूडेंट ने एक दिन मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट बोला कि सर अगर चेयरपर्सन या मेंबर, सर अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन या मेंबर वो अब काम नहीं करना चाहते, मतलब वो रिजाइन करना चाहते, छोड़ना चाहते, रेजिग्नेशन देना चाहते, क्या वो रिजाइन कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते, आप अगर कोई काम नहीं करना चाहते कोई करवा लेगा जबरदस्ती आपसे? कैसे करवा लेगा यार, क्या बात कर रहे हो आप, कर सकते हो रिजाइन, चाहे से आप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, रिजाइन तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, अगर बाय चांस ऐसा ना हो, बट अगर बाय चांस उनके दिमाग में किसी दिन आ गया कि मैं तो अब नहीं रहूंगा प्राइम मिनिस्टर, कोई रोक लेगा क्या यार? किसी को भी नहीं रोक सकता ना काम करने, आप नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, आप रिजाइन कर दो। तो अगर सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर रिजाइन करना चाहता है, कर सकता है, ठीक है सर मैं एक बात समझ गया, कर सकता है, ओके डन। कैसे? अरे रेजिग्नेशन लेटर लिख के, सर रेजिग्नेशन लेटर राइटिंग में होना जरूरी है, राइटिंग में होना जरूरी है, यस राइटिंग में होना जरूरी है। तो सर चेयरपर्सन या मेंबर जो सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर है अगर वो रिजाइन करना चाहता है, कर सकता है, उसके लिए उसे राइटिंग में, लिखित में रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। किसको देना होगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। ओके सर, जिसने अपॉइंट किया उसी को बोलो कि अब तो हम हटना चाहते हैं, ठीक है सर समझ गए। एक क्वेश्चन है सर, सर सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर है
अब सीसीआई तो पूरे भारत को संभाल रहा है, भारत की कंपनीज को संभाल रहा है और कंपटीशन एक्ट को संभाल रहा है। सर एक बात बताओ, अगर चेयरपर्सन या मेंबर ने अचानक से रेजिग्नेशन लेटर दे दिया कि साहब मैं नहीं करना चाहता अब एज चेयरपर्सन या मेंबर काम, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी यार तुम अचानक से बोल दिए मेरे से कि तुम आज ही जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने आज रेजिग्नेशन लेटर दिया और आज ही अपनी कुर्सी छोड़कर चेयर छोड़ के चले गए कि अब मैं कल से नहीं आऊंगा, मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। सर जब इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया चेयरपर्सन या मेंबर ने, क्या वो हाथ की हाथ उनका ऑफिस खत्म हो जाता है? नहीं। अब ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुन लेना, बड़े ध्यान से सुन लेना, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा मैं। जिस दिन चेयरपर्सन या मेंबर ने रेजिग्नेशन लेटर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके 3 महीने तक उनको रहना पड़ेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नया चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर दे तब तक रहना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी जल्दी हो जाता है तब। इसका कहने का मतलब, अगर आज 1 अगस्त को चेयरपर्सन या मेंबर ने रेजिग्नेशन लेटर दिया तो उनको कब तक रहना पड़ेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक, 3 महीने, 31 अक्टूबर तक। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डेट से पहले कोई नया चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर दिया तो वो तब तक ही रहेगा, फिर 3 महीने का इंतजार नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं इस बात को। ये है हमारे जेठा भैया, और जेठा भैया है हमारे सीसीआई के चेयरपर्सन, लेकिन अब उनको रेजिग्नेशन लेटर देना है तो उन्होंने 1 अगस्त को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो ऑन द स्पॉट ऑफिस वैकेट करेंगे? नो। तो कब तक रहेंगे? सर उनको 3 महीने तक रहना पड़ेगा। 3 महीने तक का मतलब 31 अक्टूबर तक रहना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे बाघा भाई को नया चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया, एज चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया 15 अक्टूबर को। तो अब देखिए, रेजिग्नेशन दिया गया था, रिजाइन किया था 1 अगस्त को, वहां से जो 3 महीने हो रहे हैं वो हैं 31 अक्टूबर, लेकिन बाघा भाई को अपॉइंट कर दिया गया 15 अक्टूबर। मैंने बोला विच एवर इज अर्लियर, तो 15 अक्टूबर को जेठालाल फ्री हो जाएंगे। अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाघा भाई को अभी अपॉइंट ना किया होता, 31 अक्टूबर के बाद अपॉइंट किया होता, तो जेठालाल सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलते कि सेंट्रल गवर्नमेंट जी 3 महीने हो गए, अब मैं जा रहा हूं, आपने इन 3 महीने के अंदर अपॉइंट नहीं किया, मैं तो विच एवर इज अर्लियर मेरे 3 महीने वाली डेट पे जा रहा हूं। क्लियर है? ये हो गया मेरे बच्चों सेक्शन 11। तो आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 9, 10 और 11 पढ़ लिए, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे चलें। देखिए स्टूडेंट, मेरे से पढ़ोगे अगर तो रिवीजन जरूरी है, प्लस उसके अलावा मैं ये और बता दूं, जैसे हम आगे चलेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये देखिए जो जो क्वेश्चन आए हुए मैं हाथ के हाथ सॉल्व करवाऊंगा। ये देखिए, तो मेरे से पढ़ना है तो आपको ये तो बेयर करना पड़ेगा, इतना तो आपको झेलना पड़ेगा कि रिवीजन भी मैं करवाऊंगा बार बार और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, एक बार ध्यान दो, हमने पढ़ा सेक्शन 9। भैया सेक्शन 9 ये बोल रहा है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर चेयरपर्सन और मेंबर बैठते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, लेकिन अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी नाम रिकमेंड करती है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर 5 लोग होते हैं जिनमें से एक चेयरपर्सन, 4 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन इंडिया का चीफ जस्टिस होता है,
बाकी के जो चार मेंबर हैं उनमें से एक सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, दूसरा सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, और बाकी के दो लोग हाईली रेपुटेड एंड एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा चेयरपर्सन और मेंबर 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम एज 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं, एज तक दोनों के लिए कॉमन है, ये अमेंडमेंट है, याद रखिए। उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट बात बताया कि अगर चेयरपर्सन किसी भी पोजीशन किसी भी वजह से अगर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन की ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा तब तक के लिए जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया बंदा अपॉइंट ना कर दे। अगर चेयरपर्सन या मेंबर अपनी खुद जानबूझ के रेजिग्नेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को राइटिंग में रेजिग्नेशन लेटर देना होता है, लेकिन जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया उस दिन हाथ की हाथ वो नहीं छोड़ते, उसके 3 महीने तक उनको रहना पड़ता है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 महीने से पहले कोई नया चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर दिया तो तब तक रहना पड़ता है। स्टूडेंट बोलता है समझ गए, लेकिन सर एक मेरा डाउट है, सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन 3 महीने के अंदर कोई नया पर्सन नया बंदा एज चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट नहीं किया तो ये जेठालाल तो चला जाएगा, जेठालाल तो 31 अक्टूबर को चला जाएगा, उसके 3 महीने खत्म हो रहे हैं। मानिए कि इन 3 महीनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया किसी नए बंदे को एज चेयरपर्सन मेंबर, तो अबे तो क्या, अभी तो पढ़ाया यार तुमको सेक्शन 10 में कि फिर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन बन जाएगा, अभी तो पढ़ाया यार मैंने भाई, मेंबर की तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि मेंबर तो कम से कम 2 होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी में अगर सीसीआई के अंदर 3 मेंबर थे एक चला भी गया तो अभी भी 2 मेंबर हैं, आप एक्स्ट्रा अपॉइंट कर लेना जब आपको जरूरत लगे, मत करना वरना जज नहीं दो। लेकिन चेयरपर्सन है तो सीनियर मोस्ट मेंबर बन जाएगा ना चेयरपर्सन, अभी तो पढ़ाया यार। हाँ सर आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज बच्चा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पे रेजिग्नेशन आपने सेक्शन 11 में बताया और अब हमको रिमूवल पढ़ा रहे हो, वो भी सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में ही है और आपके मॉड्यूल में ना पैरा में दिया हुआ है, पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, मैंने इसलिए अलग अलग कर दिया है कि जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो कंसेप्ट। स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर खुद से रिजाइन कर सकता है, ओके सर, क्या उसको निकाला भी जा सकता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चेयरपर्सन को या मेंबर को निकाल सकती है, रिमूव कर सकती है? अरे कर सकती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है तो रिमूव भी कर सकती है, वो खुद अपनी तरफ से छोड़ना चाहे तो वो भी अवेलेबल, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट निकालना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकाल सकती है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों निकालेगी? अबे सेंट्रल गवर्नमेंट तो निकालना नहीं चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहती है कि जिस बंदे को मैंने चेयरपर्सन या मेंबर बनाया उसी को मैं रीअपॉइंट कर लूं जब तक वो मैक्सिमम एज 65 ना अपॉइंट कर ले, अटेंड कर ले। लेकिन अगर कोई बंदा सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर है और वो गलत काम कर रहा है, वो एक्ट के लॉ के कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी और क्या पूजा करेगी उसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है सीसीआई के चेयरपर्सन या मेंबर को अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया। सर इंसॉल्वेंट का मतलब सर दिवालिया हो गया, सर दिवालिया का मतलब उसके लॉसेस उसके प्रॉफिट से ज्यादा हो गए, प्रॉफिट कम है लॉसेस ज्यादा है, उसकी लाइबिलिटीज उसके असेट्स से ज्यादा हो गई, मतलब जो लोग उससे पैसा मांग रहे हैं वो उनको पैसा तक नहीं दे पा रहा है, उसने हाथ खड़े कर दिए, बोला भैया मेरे बस की नहीं है, मेरे पास में 1 रुपया नहीं है, मैं दिवालिया हो गया। अच्छा सर अगर कोई बंदा सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर है और अगर वो दिवालिया हो जाता है तो फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर देगा, क्यों? अरे क्योंकि वो दिवालिया हो गया। अब इसकी 2 वजह है, एक तो जो बंदा खुद के असेट्स और प्रॉफिट को नहीं संभाल सकता वो पूरे इंडिया के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर बैठकर पूरे भारत का बिजनेस संभालेगा, कंपटीशन को संभालेगा, खुद को तो संभाल नहीं पाया,
पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, खुद दिवालिया हो गया बच्चों, अब उसको पैसे की जरूरत है। क्या है? पैसे की नीड है उसको, और जिसको पैसे की नीड होती है ना, उसके मन में अब बेईमानी आती है, अब वो कर सकता है कुछ गड़बड़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं पूरे भारत को दांव पे नहीं लगा सकती, चलो गो वेंट गॉन हो जाओ अब यहां से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर दे। सर समझ गए, सर पहला पॉइंट समझ गए, अगर चेयरपर्सन या मेंबर दिवालिया इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर देती है। एक क्वेश्चन है सर, ये हमेशा हमने देखा है इंसॉल्वेंट के आगे एडजस्ट लिखा जाता है, इसका मतलब? यार एक बात बताओ, अगर आज मैं बोलूं कि फलाना आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। दूसरे लोग बोलेंगे कि यार मेरी शायद उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है, मैं इसलिए उसे बदनाम कर रहा हूं, हो सकता है ना। पर अगर यही बात कोर्ट लिख कर दे दे, यही बात जज के ऑर्डर में लिखी हुई हो कि फलाना बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो पूरी दुनिया मानेगी। एड जज्ड मतलब जजमेंट आ चुका है, जजमेंट एड में एडिशनली बोल रहा है, जजमेंट लगाया गया है, एड किया गया है कि फलाना बंदा इंसॉल्वेंट। ओके सर आगे चलते हैं। या फिर या तो वो इंसॉल्वेंट है, या फिर वो क्या कर रहा है, एक बात बताओ। सीसीआई क्या है सर? गवर्नमेंट बॉडी। इसके अंदर जो चेयरपर्सन या मेंबर है वो कौन है सर? सरकारी आदमी, सरकारी नौकरी करने वाला। क्या सरकारी नौकरी करने वाला उस सरकारी नौकरी के अलावा कहीं और से पैसा कमा सकता है? नहीं सर। अगर सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर मतलब सरकारी नौकरी करने वाला आदमी अगर कहीं और से पैसा कमा रहा है, और यहां से भी कमा रहा है सरकारी नौकरी से और कहीं और से भी कमा रहा है, सर वो गलत कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भगा देगी। सेकेंड पॉइंट, दो बातें समझ में आ गई, इंसॉल्वेंट हो गया या गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। तीसरा सर, अगर चेयरपर्सन या मेंबर किसी ऑफेंस में, ऑफेंस मतलब गुनाह में, अगर कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्ट का मतलब जेल में डाल दिया जाता है, तो अबे तो महान काम नहीं किया उसने कोई, बहुत है ना, भगत सिंह या महात्मा गांधी नहीं है वो, गलती किया होगा उसने कुछ, चाहे से उसने मॉरल टर्पिट्यूड मानवता के खिलाफ काम किया है, चाहे से उसने रोड पे चलती हुई गाय में पत्थर मारा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ये गलत है, गाय हमारी माता है उसमें आप पत्थर नहीं मार सकते, संविधान बोलता है इस बात को, अरे मेरी बात समझ में, और चाहे से इस वजह से उसको जेल में डाला गया तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दो पॉइंट जो है, डी और ई, कि फाइनेंशियली उसने कोई फ्रॉड किया है, और लास्ट पॉइंट है कि वो फिजिकली, फिजिकली का मतलब क्या होता है, फिजिकली या मेंटली का मतलब कि वो कोमा में चला गया, या वो लुनेटिक पागल हो गया, या वो अनसाउंड माइंड हो गया, उसका माइंड साउंड नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस जब वो बंदा समझ नहीं पा रहा है तो क्यों उसको चेयरपर्सन मेंबर बना रहे हो, वो तो बर्बाद कर देगा, उसे पूरा भारत संभालना है यार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है चेयरपर्सन या मेंबर को, अगर इनमें से कोई भी रीजन होता है तो। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मैं आपकी बात मान लेता हूं, बट एक छोटा सा डाउट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैं फलाने को चेयरपर्सन या मेंबर की तरह रिमूव कर रही हूं, ये फाइनल हो जाता है? नहीं, रिमूव करने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। सर अपॉइंटमेंट में तो नहीं पढ़ाया था आपने, आपने तो ये बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपनी मर्जी से सीसीआई को भी बना देगा और उसके अंदर चेयरपर्सन और मेंबर्स को भी अपॉइंट कर देगा, सिलेक्शन कमेटी जिन लोगों का नाम रिकमेंड करेगी उनको अपॉइंट कर देगा। रिमूवल के टाइम पर आप अपनी बात से पलट रहे हो, आप बोल रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव तब कर सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए। हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तो किसी से पर्सनल दुश्मनी हो सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना जरूरी है, ये मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 9 पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सीसीआई के चेयरपर्सन मेंबर को, सिलेक्शन कमेटी नाम रिकमेंड करती है, उसमें 5 लोग बैठते। उसके बाद हमने सेक्शन 10 पढ़ा जिसके अंदर मैंने बताया कि चेयरपर्सन मेंबर 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि वो 65 साल में मैक्सिमम एज है, और अगर चेयरपर्सन के ऑफिस खाली हो जाता है तो सीनियर मोस्ट मेंबर संभालेगा।
उसके बाद सेक्शन 11 पढ़ाया रेजिग्नेशन, वो अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, 3 महीने तक रहना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई नया आ गया तो तब चले जाएंगे, विच एवर इज अर्ली। रिमूव कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने कुछ वजह पढ़ी उनमें से किसी भी वजह में फॉल हो गया तो रिमूव करेगी, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। गॉट इट सर, आगे चलो। चलो भाई आगे का जो पॉइंट है बच्चों उसको पढ़ाने के लिए मैं डायरेक्टली एग्जांपल समझाऊंगा। आगे के पॉइंट को पढ़ाने के लिए मैं डायरेक्टली एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से देखिए, बड़ा ही मजेदार है। इनको सब जानते हैं आप लोग, बहुत फेमस हैं ये। इनका नाम है कपिल शर्मा जी, ठीक है जी, कपिल शर्मा साहब। और कपिल शर्मा जी कौन थे, हम मानते हैं अपने एग्जाम्पल में चेयरपर्सन थे। कौन थे? चेयरपर्सन थे। काई के चेयरपर्सन थे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे, या मेंबर थे, और मेंबर जरूरी नहीं है सिर्फ चेयरपर्सन, मेंबर भी मान लो, कुछ भी थे सीसीआई के अंदर, या तो चेयरपर्सन थे या मेंबर थे। कौन? कपिल शर्मा साहब, ठीक है जी। फिर उनको रिमूव कर दिया गया, फिर उनको रिमूव कर दिया, और जरूरी नहीं है सिर्फ रिमूव किया गया, उन्होंने मतलब वो अभी तक चेयरपर्सन या मेंबर थे सीसीआई के, अब नहीं है, तो चाहे से उन्हें रिमूव किया गया और चाहे से उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा, चाहे से उन्हें रिमूव किया गया चाहे से उन्हें अपनी मर्जी से छोड़ा, कोई चाहे से रिजाइन किया चाहे से रिमूव हुए, जरूरी नहीं है सिर्फ रिमूव के बारे में पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल में मैंने रिमूव लिखा है बट जरूरी नहीं है सिर्फ रिमूव। तो कपिल शर्मा साहब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन या मेंबर थे, अब नहीं है। कब हटे? 25th ऑफ अगस्त 2022 को हट गए। हट गए? हट गए तो कपिल शर्मा जी रोड पे ऐसे घूम रहे थे साहब, घूम रहे थे कपिल शर्मा जी, घूम रहे थे। वहां पर उनको एक एबीसी कंपनी का ऑफर आया, बोले हमें पता है आप पहले सीसीआई के चेयरपर्सन या मेंबर थे पर अब नहीं है, चाहे से रिमूव हुए हो चाहे से रिजाइन हुए हो, अब नहीं हो, और 25 अगस्त 2022 को आपका काम छूटा है, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में जॉब कर लें, चाहे से डायरेक्टर चाहे से मेंबर चाहे से एम्प्लॉय, व्हाटएवर पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे बस आप आ जाइए। लेकिन एबीसी कंपनी का कोई केस है जो सीसीआई के पास में पड़ा हुआ है, क्या कपिल शर्मा जो कि पहले चेयरपर्सन या मेंबर थे सीसीआई के, अब नहीं है, क्या वो ऐसी किसी कंपनी के अंदर जॉब ले सकते हैं जिसका कोई केस पेंडिंग चल रहा है सीसीआई के पास में? सर जिस दिन हटे हैं उसके अगले 2 साल तक नहीं ले सकते, मतलब 25th अगस्त 2024 तक नहीं ले सकते। सर 2 साल के बाद? 2 साल के बाद ले सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है कि एबीसी कंपनी का, जब ये थे चेयरपर्सन या मेंबर कपिल शर्मा जी, तब एबीसी कंपनी का कोई बंदा इनके पास आया हो और बोला हो कि शर्मा साहब क्या सीसीआई के चेयरपर्सन या मेंबर बन के बैठे हो यार, आप एक काम, आप क्या कमा रहे हो, कुछ ज्यादा खास तो कमा नहीं रहे हो, सरकारी नौकर हो, हमारी कंपनी में आ जाओ, डायरेक्टर की पोजीशन देते हैं आपको, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारा जो ये केस चल रहा है ना सीसीआई में, इसको अंदर ही अंदर निपटवा दो यार, आप आओ, आपको डायरेक्टर बनाएंगे, इतने शेयर्स दे देंगे हम आपको अपनी कंपनी के, आप बैठ के खाओगे आराम से आप और आपके घर वाले। हो सकता है शायद ऐसा हुआ हो और इसी वजह से वो हटे हैं या उनको निकाला गया है। अब अगर वो निकल के इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो सीसीआई के अंदर जो लोग बैठे उनसे उनकी जानकारी तो होगी, वो काम निकलवाएंगे करवाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि अगले 2 साल तक आप ऐसी कंपनी के अंदर अपॉइंट नहीं हो सकते जिसका केस सीसीआई के पास चल रहा है। तो स्टूडेंट बोला सर सपोज करो अगर वो एबीसी कंपनी जिसने कपिल शर्मा को ऑफर दिया था अगर उसका केस सीसीआई के पास नहीं चल रहा होता तो वो अपॉइंट हो सकता है इवन विद इन द 2 ईयर्स। जिसके कंपनी का केस चल रहा है सीसीए के पास उसके अंदर अपॉइंट तो हो सकता है कपिल शर्मा बट आफ्टर द 2 ईयर्स, बट अगर केस नहीं चल रहा है तो हाथ की हाथ हो सकता है,
क्लियर। यहां तक स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, और ये आपका सेक्शन 12 जो आपने समझाया एग्जाम्पल से ये भी पूरा समझ गया, एक लॉजिक समझा। सर ये 2 साल की टाइम लिमिट क्यों रखी? इसलिए रखी क्योंकि कपिल शर्मा आज निकले हैं। अब क्या है ना, सीसीआई के अंदर जो लोग बैठे होंगे वो इनके जानकार होंगे, तो अभी तो ताजा ताजा ये निकले हैं, अभी तो जानकारी है इनकी, बातचीत भी हो रही है उन बाकी बचे हुए लोगों से, तो कोई काम तो ये करवा देंगे एबीसी का। लेकिन 2 साल जब हो जाएंगे तो जो बाकी के लोग होंगे ना उनका भी इतना इनसे इंटरेक्शन नहीं होगा, इनका भी उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, और 2 साल में क्या दोस्ती फीकी पड़ जाती है। और बाकी के लोग सोचते हैं कि यार क्यों इसका कोई काम करवाए अगर ये बोल भी रहा है, कल को इसकी वजह से हमारी नौकरी चली गई तो गवर्नमेंट सोचती है 2 साल में मामला ठंडा पड़ लेता है, और 2 साल में इनकी उतनी जैक इतनी पहुंच भी नहीं रहती है, तो 2 साल बाद में ये एबीसी का बन भी जाएंगे ना, तो 2 साल तक तो हम पहले ही एबीसी का जो केस चल रहा है उसको निपटा देंगे, और नहीं भी निपटा अगर तो ये कुछ कर नहीं पाएगा सर। क्लियर। यहां तक बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 12 तक। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, समझ में सब आएगा। नोट्स आपके पास में मेरे ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं, ठीक है ना। और अगर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये को लेक्चर अपलोड किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके नोट्स डाउनलोड कर ले। चलिए हम चलते हैं सेक्शन 13 पे। अच्छा उसके अलावा एक और चीज, मेरे पास बहुत बार स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या कि सर आपकी क्लासेस हमें पसंद है वो परचेज करनी है, तो बच्चों ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और आप क्लास परचेज कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो लॉ की कंप्लीट क्लास आपको 3500 रुपीज में मिल जाएगी। इतना सस्ता कोई नहीं दे रहा होगा, वो भी जब आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा रहे हैं प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऑन द स्पॉट सॉल्व करवा रहे हैं। और अगर आप जून 2023 में देना चाहते हो तो भी आप क्लास ले सकते हो, 1 साल तक का टाइम रहेगा, अनलिमिटेड व्यूज रहते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज करो, लाखों करोड़ों बार रिवाइज करो, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको मिलेगा, और उसमें आपको 4500 रुपीज में मिल जाएगा। क्लियर है, 1000 रुपया बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं अब अपन आगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 13। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से ये बोला कि सर आप बोल रहे हो सीसीआई पूरे इंडिया के कंपटीशन को संभालता है, बिजनेसेस को संभालता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को संभालता है, सर मुझे बताइए सीसीआई का जो चेयरपर्सन है उसके पास तो बहुत पावर होती होंगी। अरे बहुत पावर होती है, सुपरिटेंडेंट पावर होती है। आपको पता है ये मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 5 में आगे। जैसे अगर दो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, एक है रिलायंस कंपनी, एक है टाटा कंपनी, मानते हो ना बड़ी कंपनी है, अगर ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हो या आपस में जॉइंट वेंचर कर रही हो, मतलब कंबाइन होकर काम कर रही हो, कॉम्बिनेशन कंबाइन होकर काम कर रही है, तो आपको पता है चेयरपर्सन के पास में, सीसीआई के पास में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, और उसका जो चेयरपर्सन है उसके पास में बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली ये पावर और ये हक होता है कि वो इनको कॉम्बिनेशन करने से पहले इनके बारे में चेकिंग करे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों कंपनियां अगर कॉम्बिनेशन हो गया इनका, साथ में मिलके काम करने लगी, तो ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये जिस फील्ड में काम कर रही है, कार बनाने की फील्ड में या किसी भी फील्ड में, उसमें तो ये फिर किसी नए कॉम्पिटिटर को एंटर ही नहीं होने देंगी। अगर ऐसा लगा चेयरपर्सन को और सीसीआई को कि यार कॉम्बिनेशन के बाद में तो ये बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये लोग इतने स्ट्रांग और इतने बड़े हो चुके होंगे कि कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ ही नहीं पाएगा, और आ नहीं पाएगा तो ये लोग अपनी पोजीशन का एक दिन गलत फायदा उठाएंगे, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। मना कर देगा चेयरपर्सन कि भैया आप नहीं कर सकते, इतनी पावर होती है कि वो रिलायंस और टाटा को मना कर दे, अंबानी जी को मना कर दे, टाटा साहब को मना कर दे। पावर तो बहुत होती है ना यार, लिखा है मैंने, देखो देखिएगा यहां पर आप, चेयरपर्सन के पास में पावर होती है सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइज करने की, डायरेक्शन देने की, कंट्रोल करने की। अच्छा सर अगर चेयरपर्सन, क्योंकि सीसीआई का चेयरपर्सन है ना सर,
और सीसीआई तो पूरे भारत के बिजनेस और कंपनीज को संभाल रहा है। और सर भारत की जो कंपनीज हैं वो तो बहुत सारी कंपनीज है सर, भाई सीसीआई पूरे भारत की कंपनीज को संभाल रहा है और भारत की जो कंपनीज है वो तो बहुत सारी है सर, चेयरपर्सन उन सब कंपनीज का काम देख रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता चेयरपर्सन थोड़ा सा काम अपना किसी को डेलीगेट कर दे मेंबर को कि यार ये वाला काम तुम संभालो, इम्पोर्टेंट काम मैं संभाल रहा हूं, अकेला कहां तक कर लेगा और फिर इफेक्टिवली काम भी नहीं कर पाएगा। हाँ तो डेलीगेट कर सकता है। तो याद रखिएगा 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये पहले वाला पॉइंट का तो नहीं आएगा, सेकंड का आ जाता है कि क्या सीसीआई का चेयरपर्सन अपनी ड्यूटीज अपनी पावर्स किसी को डेलीगेट कर सकता है, कर सकता है, और वो सोच समझ के करता है, क्वालिफाइड आदमी को करता है, और वो देता है जो लेस इंपॉर्टेंट है कि तुम इसको कर लो, इंपॉर्टेंट मैं खुद कर। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक पूरा समझ में आ गया, आपने हमको समझाया सेक्शन 9, एक तो जिसमें आपने बताया जो लोग अपॉइंट होते हैं मेंबर्स और चेयरपर्सन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करता है, सिलेक्शन कमिटी के अंदर 5 लोग होते हैं जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके या उसका नॉमिनी, और उसके अलावा 4 लोग होते हैं जो मेंबर्स होते हैं उनमें से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी और बाकी के तो हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड रेपुटेड लोग होते हैं। सेक्शन 10 के अंदर आपने बताया चेयरपर्सन मेंबर 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, फिर दोबारा रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर चेयरपर्सन किसी भी वजह से अपनी पोजीशन को नहीं कर पा रहा है, अपना अपना काम नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर उस केस में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो बन जाए। चेयरपर्सन मेंबर रिजाइन भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइटिंग में रेजिग्नेशन लेटर देकर करेंगे, जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया उसके 3 महीने तक उनको काम करना पड़ता है, लेकिन अगर उन 3 महीने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नया चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर दिया तो वो तब छोड़ जाएंगे, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये कुछ एक्टिविटीज है इनमें फॉल हो गए तो रिमूव भी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। उसके बाद में मैंने बताया कोई भी पर्सन जो सीसीआई का मेंबर है या चेयरपर्सन है और अब वो नहीं रहा, पहले था अब वो नहीं रहा किसी भी वजह से, या उसे रिमूव किया या उसने रिजाइन कर दिया, तो वो अगले 2 साल तक ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता जिसका केस चल रहा है सीसीआई के पास, 2 साल के बाद कर सकता है, और 2 साल के अंदर उस कंपनी में कर सकता है जिसका केस नहीं चल रहा है। देन उसके बाद में चेयरपर्सन के पास बहुत सारी पावर्स है, वो डेलीगेट कर सकता है। समझ में आ गया? स्टूडेंट बोलता है सर अब मेरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आप जवाब दे दो। मैंने बोला बोले यार क्या क्वेश्चन है? बोले सर ये जो नाना पाटेकर साहब आपको दिख रहे हैं ना, ये नाना पाटेकर जी सीसीआई के चेयरपर्सन है या मेंबर है, कुछ भी है? मैंने कहा ठीक है चल समझ गए बात, आगे बोलो। सर इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था वो हमने पढ़ा कि सीसीआई के चेयरपर्सन या मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाना पाटेकर को एज चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर लिया। एग्जाम्पल में मैंने चेयरपर्सन लिखा है बट मेंबर के लिए भी बात होती है। देखिए सर आपको पता है जो अपॉइंटमेंट हुआ ना वो लॉ के हिसाब से नहीं हो पाया, उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं चला। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तो गलतियां हो जाती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो पूरे भारत को संभाल रही है, हो सकता है गलती हो गई, या ऐसा हो सकता है नाना पाटेकर ने जब अपनी डिटेल दी होगी तो झूठी डिटेल दे दी। कहने का मतलब है कि जो बंदा सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर की तरह अपॉइंट हुआ उसका अपॉइंटमेंट एकदम लीगल नहीं है, या तो लॉ फुलफिल नहीं हुआ या उसने अपनी झूठी इंफॉर्मेशन दे दी। मैंने कहा ठीक है, इस बच्चा मेरे को बता रहा था, मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हारा क्वेश्चन यहां तक समझा कि नाना पाटेकर जी चेयरपर्सन या मेंबर की तरह अपॉइंट हुए सीसीआई के, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट एकदम लीगल नहीं था, या तो उन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन दी थी या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हो गई थी, ऑल दैट, ये सब समझ गया मैं, आगे बोलो। बोले सर लेकिन ये बात बाद में पता चली, उनको हमने अपॉइंट कर लिया था एज चेयरपर्सन या मेंबर, और हमें कुछ बाद में कुछ महीनों बाद कुछ साल बाद पता चली कि यार इनका अपॉइंटमेंट गलत हुआ, तो उस दौरान इन्होंने एज मेंबर या चेयरपर्सन कुछ काम किए थे जो कि करने होते हैं चेयरपर्सन या मेंबर को, वो इन्होंने काम किए थे, क्या वो किए गए काम जैसे रिलायंस का एक केस संभाला था, ओयो कंपनी का केस संभाला था, अडानी जी का केस संभाला था, अंबानी साहब का केस संभाला था, कोई भी उसके पास में छोटा मोटा या बड़ा, मोहित बंसल क्लासेस का केस संभाला था,
चेयरपर्सन है, मेंबर तो था ना, नाना पाटेकर जी थे ना। पता बाद में चला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनका अपॉइंटमेंट गलत है, लेकिन जब पता चला तब तक उस दौरान तो इन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी ना। क्या सर इन्होंने उस दौरान जितने काम किए, जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करी, जो जो कंपनीज के लिए डिसीजन दिए, क्या वो सब इनवैलिडेट हो जाएंगे? क्या वो सब डिसीजन रिवोक कैंसिल हो जाएंगे? नहीं। चाहे से उनका अपॉइंटमेंट गलत था, चाहे से लीगली अपॉइंटेड नहीं थे, लेकिन जब तक वो एज चेयरपर्सन या मेंबर अपनी पोजीशन को कर रहे थे यूज और काम कर रहे थे एज चेयरपर्सन या मेंबर, उन्होंने जो भी डिसीजन दिया किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग में, किसी भी मेंबर कंज्यूमर के रिगार्डिंग में, वो इनवैलिडेट नहीं होगा। या गलती नाना पाटेकर की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, पब्लिक क्यों भुगते हैं? पब्लिक बोलेगी कि सर जो डिसीजन आया हम तो वो मान रहे हैं, उनको इनवैलिडेट मत करो। हाँ, अब आगे के लिए इनका अपॉइंटमेंट लीगल कर दो या कोई नया लीगली बंदा अपॉइंट करो, जो हो गया वो हो गया। ये बात बच्चे यहां पर लिखी हुई है, क्लियर है ये चीज यहां तक? तो ये सेक्शन 15 आपको समझ में आया। अच्छा एक चीज, सेक्शन 13 के बाद डायरेक्टली सेक्शन 15 पे आ गया हूँ, सेक्शन 14 मैंने छुड़वा दिया है, वो नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि कोई काम की चीज नहीं है उसमें, है ना? तो मैं पूरा स्टडी मटेरियल कवर करवा के चल रहा हूँ, लेकिन जो बिल्कुल ही रद्दी है ना उसको क्यों पढ़ रहे हो यार? बेसिक कोर्स पढ़ा है इतना भाई, क्लियर है? स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहाँ तक समझ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। सब बातें समझ गया आपकी, लेकिन एक क्वेश्चन सर, आप बोल रहे हो सीसीआई के पास में पूरे भारत का काम है, उसके अंदर जो चेयरपर्सन और मेंबर बैठे हैं उनके पास में पूरे भारत का काम है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो सीसीआई है और जो चेयरपर्सन है वो पूरे काम को नहीं संभाल पा रहे हैं, काम का बर्डन आ गया है, उनको कुछ लोगों की हेल्प चाहिए जो उनको असिस्ट करें, जो उनको एडवाइस दें, जो उनका थोड़ा हाथ बटा दें? हाँ हो सकता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी कुछ और लोगों को जो कि इन लोगों का हाथ बटा देंगे, असिस्ट करेंगे, एडवाइस कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे? हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी अपॉइंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी उनका नाम क्या होगा? डायरेक्टर जनरल भी हो सकता है, मेन तो डायरेक्टर जनरल होता है, फिर उन डायरेक्टर जनरल की हेल्प करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हो सकता है, जॉइंट डायरेक्टर जनरल हो सकता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, ये इतना आपको बहुत इंटरनली नहीं पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि सीसीआई की हेल्प करने के लिए, सीसीआई के चेयरपर्सन मेंबर्स की हेल्प करने के लिए हमको और भी कुछ क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है, तो वो डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर सकती है, इवन एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, इनको भी अपॉइंट कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है रोड पे चलते आदमी को डायरेक्टर जनरल बना देंगे या जॉइंट डायरेक्टर जनरल बना देंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। किसको बनाएंगे? जो इंटीग्रिटी वाला आदमी है, ईमानदार है, जिस जो एक्सपीरियंस लेकर चल रहा है और उसे इन सभी फील्ड की नॉलेज है। आप सीसीआई की मदद कर रहे हो, सीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, उनको सिलेक्शन कमिटी ने अपॉइंट करवाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कराया है, उनकी मदद के लिए जिसको भेज रहे हो वो भी तो, मतलब सीसीआई के अंदर सलमान खान बैठा है, अब उसके सामने कोई आएगा तो वो भी तो शाहरुख खान ही होना चाहिए ना। ऐसे छोटे मोटे तुषार कपूर को ला दोगे तो कैसे काम चलेगा सर? वो खुद भी तो हाईली क्वालिफाइड हो। और उसके अलावा सेक्रेटरी को या इन ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, वो सेम ही पॉइंट है। तो ये पॉइंट और वो इससे पहला 16 पॉइंट सेम है, बस आप इतना याद रख लो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सीसीआई की मदद के लिए मुझको कुछ और लोग अपॉइंट करने चाहिए तो वो अपॉइंट कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? एक बार यहां तक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए जिनको हम हथियार सॉल्व करेंगे,
सेक्शन 9 में मैंने बताया चेयरपर्सन और मेंबर जो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा सिलेक्शन कमिटी के कहने पे, जिसमें 5 लोग बैठते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं, और 65 साल मैक्सिमम एज है, चेयरपर्सन काम नहीं कर रहा है, सीनियर मोस्ट मेंबर करेगा, वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर देंगे राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को, 3 महीने तक काम करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस 3 महीने से पहले किसी को बना दिया, अपॉइंट कर दिया, तब चले जाएंगे। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव भी कर सकती है अगर वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल हो जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। अगर कोई बंदा चेयरपर्सन मेंबर था, अब वो नहीं है, तो वो अगले 2 साल तक ऐसी किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता जिसका केस सीसीआई के पास चल रहा है, 2 साल बाद में हो सकता है, या 2 साल के अंदर उस कंपनी में हो सकता है जिसका केस नहीं चल रहा है। पावर बहुत होती है, पावर को डेलीगेट कर सकता है जो मेन चेयरपर्सन है। अगर चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट हो गया था, अपॉइंटमेंट गलत था, तो उस दौरान उसने जो जो ड्यूटीज परफॉर्म करी अपनी एज चेयरपर्सन मेंबर, वो इनवैलिडेट नहीं, वो सही है, वैलिड है, उनकी सजा पब्लिक नहीं भुगतेगी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनकी मदद के लिए डायरेक्टर जनरल को या असिस्टेंट डायरेक्टर को, ज्वाइंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को या सेक्रेटरी ऑफिसर को अपॉइंट करना है, कर। अब स्टूडेंट हम आगे आने वाले हैं, तो हमें एक्चुअली में जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो टॉपिक पढ़ना है ड्यूटीज ऑफ कमीशन। लेकिन बच्चों, इस ड्यूटीज ऑफ कमीशन टॉपिक को पढ़ाने के लिए पहले मुझको आपको एक तो पढ़ाना पड़ेगा सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ, और उसके अलावा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ये 3 सेक्शंस मुझे पहले पढ़ाने हैं आपको। कौन कौन सा? सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ड्यूटीज ऑफ कमीशन। क्योंकि अगर मैं ऐसे आपके मटेरियल, स्टडी मटेरियल में तो क्या बस ऐसे दे दिया है और बाकी कुछ बताया ही नहीं है, ऐसे पैराग्राफ में दे दिया, आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, पर उसे कहानी की तरह पढ़ो, लॉजिक तो पता हो, कंसेप्ट तो क्लियर हो, एग्जाम में जब जाओगे कितना रट के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी थ्योरी है तो सब रट लोगे, कुछ तो लॉजिक लगाओगे दिमाग का अपने, एक बार समझो इसको। सबसे पहला क्वेश्चन कि कंज्यूमर कौन होता है, और कंज्यूमर कौन होता है, मैं कंपटीशन एक्ट से बोल रहा हूं, याद रखिएगा मेरे बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। कंज्यूमर की डेफिनेशन कंपटीशन एक्ट की खुद की एक सेपरेट है, वो क्या है वो पढ़ो। कंज्यूमर का मतलब होता है कोई भी इंसान या कंपनी, इंसान का मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं, इवन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी कंज्यूमर हो सकती है। कंज्यूमर का मतलब है जो गुड्स को खरीद रहा है, पैसे देकर खरीद रहा है। कंज्यूमर कौन है? जो पैसे देकर खरीद रहा है। सर अगर कोई फ्री में खरीद रहा है तो? अबे जब फ्री में खरीद रहे हो तो वो खरीद थोड़ी रहे हो, वो तो गिफ्ट मिल रहा है। आप फ्री में कोई चीज कैसे खरीद लोगे? आप फ्री में थोड़ी ना खरीदोगे, आप फ्री में खरीदते नहीं हो, आपको गिफ्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 बच्चे हैं, मान लो 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने मुझको पैसा दिया और मेरे से क्लासेस ली, और एक स्टूडेंट ने मुझसे को पैसा नहीं दिया लेकिन मैंने उसको क्लासेस दे दी। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा बच्चों, एकदम प्रैक्टिकल, हो सकता है आपको बुरी लगे। जिस बच्चे ने पैसा दिया ना, उसका हक मेरे ऊपर ज्यादा है, वो मुझसे डिमांड कर सकता है, वो मुझसे बोल सकता है सर ये क्लास का थोड़ा सा समझा दो, क्वेरी पूछ सकता है, क्वेरी सॉल्व करवाते हैं उसको पर्सनली, जूम पर मीटिंग करवा के क्वेरी सॉल्व करते हैं, पैसा दिया है उसने, उसका हक बनता है। लेकिन जिसने पैसा नहीं दिया ना, उसका हक नहीं बनता, क्योंकि वो मेरा कंज्यूमर नहीं है, वो मेरे लिए कस्टमर नहीं है, मेरा ग्राहक नहीं है, मैंने बस गिफ्ट दिया है। मेरी मर्जी करेगी तो मैं उसे क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, नहीं करेगी मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है। तो कंज्यूमर वो है जिसने कुछ खरीदा है पैसे के लिए, चाहे से पैसा उसने पे कर दिया, चाहे से उसने प्रॉमिस किया है कि मैं बाद में, चाहे से वो पे कर चुका है या उसने प्रॉमिस किया है मैं बाद में कर दूंगा, या आधा पे कर चुका है आधा बाद में पे करने का प्रॉमिस किया, लेकिन वो पैसा दे रहा है, मुद्दा ये है, क्लियर है वो चीज। तो कंज्यूमर कौन है? जो कोई चीज परचेज कर रहा है, कंसीडरेशन के लिए परचेज कर रहा है, चाहे से वो पे कर चुका है और प्रॉमिस कर चुका है बाद में दूंगा। सर अगर कोई पर्सन इसलिए खरीद रहा है क्योंकि आगे वो अपनी दुकान में ले जाके उसको बेचेगा, कमर्शियल यूज, तो भी कंज्यूमर है। सर अगर कोई इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज में लेगा, तो भी कंज्यूमर है। अगर आज मैंने किसी से कोई सामान खरीदा,
चाहे से मैंने उसे अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा तब भी मैं उसका कंज्यूमर हूं, चाहे से मैंने उसको लेकर आगे बेचा तो मैं उसका कंज्यूमर, मैंने जिसको आगे बेचा वो मेरा कंज्यूमर है, लेकिन मैं उसके लिए कंज्यूमर। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, रिलायंस से मोहित बंसल क्लासेस ने सामान परचेज किया और फिर मोहित बंसल क्लासेस ने उसको आगे टाटा कंपनी को बेच लिया, तो मैंने रिलायंस का कंज्यूमर और टाटा कंपनी मेरी कंज्यूमर है, मतलब मैंने चाहे से पर्सनल यूज के लिए खरीदा या मैंने आगे बेचने के लिए खरीदा, मैं कंज्यूमर। स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया मैं, या फिर मैंने कोई सर्विस ली है किसी से, यहां पर तो मैंने गुड्स ले लिया, या फिर मैंने सर्विस ली है, जैसे डॉक्टर से मैंने सर्विस ली, आप मेरे से सर्विस ले रहे हो तो भी आप मेरे कंज्यूमर। तो कहने का मतलब अगर किसी पर्सन ने गुड्स परचेज किए हैं या सर्विस परचेज करी है, पैसे के लिए परचेज करी है, और उसको वो खुद पर्सनल यूज में लेगा या आगे कमर्शियल यूज में लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर वो है जिसने कुछ परचेज किया है और पैसा दिया है। क्लियर है ये चीज यहां तक? एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे पहले वो ये पूछता है कि अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स परचेज कर रहा है या कमर्शियल यूज के लिए गुड्स परचेज कर रहा है, क्या वो कंज्यूमर कहलाया जाएगा? आपको ये पूरा लिख के आना है कि वो किसी भी पर्पस के लिए कर रहा है। 2 conditions हैं, पहला वो परचेज कर रहा है, दूसरा वो पे कर रहा है, चाहे से पे कर दिया या प्रॉमिस किया है कि मैं बाद में करूंगा, बट दे रहा है पैसा। क्लियर हुआ यहां तक बच्चों? ये है कंज्यूमर। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 3 एंड वो, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको एग्जाम्पल भी पढ़ाने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाने हैं, तो बहुत लेंथी हो जाए। तो चलिए यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं बच्चे। मैंने पहले भी बताया अगर आपको क्लास परचेज करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, मोहित बंसल क्लासेस की टीम आपको रेस्पॉन्स करेगी, आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी प्लस आपको नोट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो जूम पर सॉल्व कर दी जाती है या व्हाट्सएप टेलीग्राम पर सॉल्व कर दी जाती है। दिसंबर 2022 के लिए मात्र 3500 में आपको क्लास मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूज होंगे, अनलिमिटेड। अगर जून 2023 के लिए खरीदना चाहते हो तो 4500 रुपीज बन जाए। चलिए ठीक है बच्चों, बाकी का फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।